खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉयन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूँ कि गाइस, मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस, किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस, ये किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस, थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस, और गाइस, काफी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान। और गाइस, इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनाथ और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस, इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडील ने। और गाइस, इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने। और गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस, वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को। और गाइस, मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का। और गाइस, ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस, इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस, इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस, मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस, साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस, इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस, इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस, जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस, आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस, इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस, आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस, वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस, अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइस मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइस, एक चीज और कि गाइस, ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी।
तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉयन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनाथ और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉयन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस, मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस, किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस, ये किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस, थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस, और गाइस, काफी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान। और गाइस, इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनात और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस, इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने। और गाइस, इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने। और गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस, वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को। और गाइस, मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का। और गाइस, ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस, इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस, इसके मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपीसिस के बारे में। तो गाइस, मूवी का साइनोपीसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस, साइनोपसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस, इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस, इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस, जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस, आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस, इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस, आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और के गाइज, ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉयन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस, मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस, किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस, ये किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस, थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस, और गाइस, काफी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं गुरमीत राम रहीम सिंह
और हनीप्रीत इंसान। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं सीपी अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनात और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल दो सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉइन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं सीपी अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनात और गरिमा और राजेश
और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लाइनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और के गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉइन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनात और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए
चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइज 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉयन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस, और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनात और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का।
अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपीसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपीसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल दो सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और के गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एमएसजी द वॉरियर लॉयन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपसिस, और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है सीपी अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनाथ और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडील ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपीसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपीसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना
अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस सानो पीस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल दो सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज़ और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लायनहार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस, और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनाथ और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडील ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस सानो पीस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल दो सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में।
बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइज फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज़ और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लव इन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइज ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइज थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान और गाइज इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनात और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडील ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज़ और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी।
तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लव इन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइज ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइज थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइज काफी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान और गाइज इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनाथ और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और के गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉइन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइज, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइज ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनाथ और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडील ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा अच्छे से। गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज़ और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉइन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और
अबाउट गाइज थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं सीपी अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनात और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉइन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइज ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइज थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइज काफी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं सीपी अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनात और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक
और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और के गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एमएसजी द वॉरियर लॉयन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है सीपी अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनाथ और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए
चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइज 180 मिलियन का। अगर गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइज इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइज मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लायनहार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस, और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनाथ और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का।
अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपीसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपीसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लायनहार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपसिस और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनात और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना
अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस सानू पीस में आपको इतना ही बता पाऊंगा अच्छे से। गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल दो सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लायनहार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस, और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनात और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस सानू पीस में आपको इतना ही बता पाऊंगा अच्छे से। गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल दो सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में।
बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइज फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज़ और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनें और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉइन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइज ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइज थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान और गाइज इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनाथ और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडील ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइज 180 मिलियन का। अगर गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें, तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइज इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइज मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइज वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइज फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज़ और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी।
तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉ इन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइज ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनाथ और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉइन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस, और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनाथ और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपीसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपीसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए। गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और के गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉइन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और
गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है सीपी अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनात और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडील ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल दो सॉन्ग हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एमएसजी द वॉरियर लॉयन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है सीपी अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनात और गरिमा और राजेश
और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे। और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉइन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनात और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस
चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइज इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइज 180 मिलियन का। अगर गाइज बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें तो गाइज बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइज इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइज मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपिसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 2 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लॉयन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस, और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनात और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का।
अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसके मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपीसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपीसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस साइनोपसिस में आपको इतना ही बता पाऊंगा। अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल दो सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और के गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एमएसजी द वॉरियर लॉयन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपसिस, और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है सीपी अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनाथ और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपीसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपीसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना
अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस सानो पीस में आपको इतना ही बता पाऊंगा अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए। गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल दो सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइस वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइस फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एमएसजी द वॉरियर लायनहार्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस ये किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस, और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है सीपी अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनाथ और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडील ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है गाइस 180 मिलियन का। अगर गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी की मतलब कमाई की बात करें, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी डिस्प्यूटेड हो गई है, यानी कि विवादित हो गई है। तो गाइस इसकी मतलब जो कमाई हुई है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी साइनोपिसिस के बारे में। तो गाइस मूवी का साइनोपिसिस स्टार्ट होता है यहाँ से। कहानी एक मध्ययुगीन योद्धा के बारे में है जो अपनी भूमि के सम्मान और महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ता है। कहानी सदियों से अलग है क्योंकि वह एक स्टाइलिश शीर्ष गुप्त एजेंट जेम्स बॉन्ड के आधुनिक भारतीय समकक्ष के रूप में एक और भूमिका में उभरता है। एलियंस को लूटना अमोक भाग जाता है क्योंकि वे तकनीकी में सैकड़ों साल आगे हैं। लायनहार्ट ग्रह पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए उनके मार्च में एकमात्र कठोर है। तो गाइस सानो पीस में आपको इतना ही बता पाऊंगा अच्छे से गाइस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए। गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल दो सॉन्ग है। तो गाइस इस मूवी का जो पहला सॉन्ग है वो है ढोल बाजे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है सोहना मेरे मिश्री दी दलिया। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में।
बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.2 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो गाइज वैसे ये मूवी मेरी मतलब देखी हुई है नहीं, पर गाइज फिर भी मैं आपको मतलब एक यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि गाइज अगर IMDb रेटिंग इतनी अच्छी खासी है मूवी की, तो गाइज मतलब मूवी की स्टोरी में कहीं ना कहीं दम है। तो गाइज एक चीज़ और कि गाइज ये मूवी मतलब बॉक्स ऑफिस पे विवादित हुई है, तो किसी ना किसी कारण तो विवादित हुई होगी। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी में दम है। तो गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें और गाइज मूवी का आनंद लें और गाइज मूवी के सॉन्ग सुने और सॉन्ग्स का आनंद लें। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे MSG द वॉरियर लव इन हार्ट मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और गाइज ये किसके द्वारा लिखी गई है और गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइज थोड़ा सा इस मूवी का साइनोपिसिस और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसान और गाइज इस मूवी को लिखा गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं CP अरोरा और जितेंद्र खुराना। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और हनीप्रीत इंसेस्ट और चरणप्रीत और कायनाथ और गरिमा और राजेश और सुखोत्तम और अशोक और भूषण। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है गुरमीत राम रहीम सिंह ने और संतोष थुंडियल ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है गुरमीत राम रहीम सिंह के द्वारा और संजय वर्मा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह ने और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो भी गुरमीत राम रहीम सिंह ने ही दिया है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 7 अक्टूबर 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 120 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस